हाय बच्चों तो ये हमारा कोटा चॉकलेट प्रॉब्लम टू और आज हम लोग फिर से मोशन एंड वनडी में वर्टिकल मोशन का एक क्वेश्चन करने वाले हैं इन्होंने बोला कि एक वाटर ड्रॉप है जो रेगुलर इंटरवल पे गिर रहा है एक टैप से और टैप की ऊंचाई है फाइव मीटर फ्रॉम द ग्राउंड बोला गया कि अगर थर्ड ड्रॉप इज लिविंग द टैप एट द इंस्टेंट फर्स्ट ड्रॉप टचेज द ग्राउंड जब पहले ड्रॉप ने नीचे ग्राउंड को टच कर लिया तो थर्ड ड्रॉप बस निकलने को अभी तैयार हुआ है टैप से तो बताइए सेकेंड ड्रॉप की हाइट कितनी है ग्राउंड से बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कंसेप्ट इसमें इन्वॉल्व है और 2025 का पेपर आपको पता है थोड़ा सा अच्छा आ सकता है तो अच्छे क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है इसलिए सीरीज आपके लिए बहुत जरूरी है सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है सीरीज आओ देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है अगर मैं इसका एक डायग्राम बनाऊ तो ऐसा कुछ बनेगा टैप में से एक रेगुलर इंटरवल पे ड्रॉप गिरते जा रहे हैं रेगुलर इंटरवल मतलब एक 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 पर्टिकुलर टाइम 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 है उतने 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 के 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 बाद एक drop, के बाद एक के बाद ड्रॉप 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 फिर फिर और और अगर देखा जाए तो पहला ड्रॉप बोला गया है ये अगर पहला ड्रॉप है बेटा तो पहला ड्रॉप हमारा नीचे ग्राउंड को टच कर चुका है सेकेंड ड्रॉप ऑब्वियसली कहीं हवा में अभी होगा बीच में और थर्ड ड्रॉप ने जस्ट अपनी जर्नी अभी शुरू करनी है वो बस अभी टैप के बाहर आया है लेकिन अभी पूरी तरीके से नहीं आया अब इसका गिरना बाकी है इसका मतलब दो ड्रॉप तो नीचे आ चुके हैं अब एक चीज आप जानते हो बेटा कि ये जब नीचे गिरेगा तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी और मोशन ग्रेविटी में आपने पढ़ा है कि अगर कोई चीज जीरो वेलोसिटी से गिरती है तो कुछ भी हाइट नीचे जाने में उसको जो टाइम लगता है बेटा वो टाइम होता है अंडर रूट टू एच अपॉन जी ये आप मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ चुके हैं कि कोई पार्टिकल को आप रिलीज करोगे जीरो वेलोसिटी से इतने टाइम में नीचे आ जाएगा वो तो सोचो अगर पहला ड्रॉप नीचे आ चुका है और हाइट अगर पांच मीटर है तो मैं ये पता कर सकता हूं क्या कि उसको यहां से यहां आने में टाइम कितना लगा होगा बिल्कुल यहां से ये यह कुछ नहीं एस बराबर यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर से आता है बट ये रिजल्ट कई बार बच्चे याद कर लेते हैं है ना तो टाइम हो गया बेटा अंडर रूट टू कितना हाइट कवर किया पहले ड्रॉप ने फाइव मीटर तो यहां पे फाइव एंड डिवाइडेड बाय जी को चलो टेन लेते ले ले हैं ऊपर भी टेन नीचे भी टेन टेन बाई टेन वन टाइम की वैल्यू आ आई रूट वन दैट इज वन सेकेंड चलो ये तो समझ में आ गया कि पहले ड्रॉप को नीचे तक आने में एक सेकेंड का टाइम लगा है अब आप ऐसा कहिए कि दो ड्रॉप बाहर आ चुके हैं टैप से कितने सेकेंड में एक सेकेंड में तो सोचो जो रेगुलर इंटरवल है वो कितना हुआ तो अगर एक सेकेंड के टाइम में दो ड्रॉप बाहर आ चुके हैं तो इसका मतलब हर पॉइंट फाइव सेकेंड में एक ड्रॉप बाहर आ रहा है अब एक बच्चा पूछ सकता है सर दो कहां तीन आए हैं ना बेटा तीसरा अभी आया नहीं है अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक महीने में दो बार जिम गए तीसरी बार अब आप अगले महीने के पहली तारीख को जा रहे हो तो अभी आप गए नहीं हो एक महीने में आप दो ही बार जिम गए उलट से और आपने रेगुलर इंटरवल में अगर किया कवर तो एक महीने में बेटा तीस दिन होते हैं तीस दिन में दो बार गए और रेगुलर इंटरवल है तो इसका मतलब आप हर पंद्रह दिन में जिम जाते हो तो मान लो आप फर्स्ट जुलाई को गए थे फिर आप यू नो थर्टी जुलाई को जा रहे हो तो दो बार गए एक बार फर्स्ट को एक बार फिफ्टीन को एक बार थर्टी को ऐसा लॉजिक तो बेटा थर्ड को काउंट नहीं करना है जब आप रेगुलर इंटरवल निकाल रहे हो क्योंकि अभी गिरा नहीं है गिरने को तैयार हुआ है दो तो गिर चुके हैं तो जितने सेकंड में एक सेकंड में ये नीचे गिरा पहला ड्रॉप उतने में दो ड्रॉप निकल चुके हैं ये और ये दोनों तो रेगुलर इंटरवल कितने का हुआ एक सेकेंड में यह नीचे आ गया था एक सेकेंड में दो ड्रॉप निकल चुके हैं यानी कि हर पॉइंट फाइव में एक ड्रॉप निकल रहा है अच्छा अब मेरे को पता करना है इसकी पोजीशन क्या है अब सोचो अगर ये एक सेकेंड चल चुका है तो ये पॉइंट फाइव ही चला होगा है ना क्योंकि हर पॉइंट फाइव में एक निकलता है ना तो ये पॉइंट फाइव ही चला होगा तो अगर यहां से यहां तक ये पॉइंट फाइव सेकेंड चला होगा तो इसकी हाइट कितनी होगी पता है ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा पता है डिस्प्लेसमेंट होगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यू तो बेटा जीरो है जीरो से चला था वो और चला ये पॉइंट फाइव आपको पता है वो बात है ना क्योंकि हर पॉइंट फाइव सेकेंड में एक पार्टिकल निकलता है अगर ये फर्स्ट वाला एक सेकेंड चला है तो ये पॉइंट फाइव चला होगा तो पॉइंट फाइव में कितना चल लिया होगा भाई एस बराबर हाफ ए को आप ले लो जी के बराबर यानी कि

तो कितना चल लिया पॉइंट फाइव सेकंड में भाई एस बराबर प्लस वो चल लिया टू फाइव लेकिन उसने पूछा है, 1 .5। 1 है ना ये तो वन पॉइंट टू फाइव है तो फाइव में से आप घटा दो इसको ये कितना थ्री पॉइंट सेवन फाइव एक और तरीका बताता हूं अगर कोई बच्चा यू you नो know, एक चीज जानता है कि गैलीलियो ने एक बात बोली थी क्या बोली थी देखो उसने बोला था कि मान लो टी सेकेंड में पार्टिकल अगर एक्स चला तो अगले टी सेकेंड में वो थ्री एक्स चलता है फिर अगले टी सेकेंड में वो फाइव एक्स चलता है ये ऑड आता आता है 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 पढ़ा आपने वन इस तो इस तो इस तो इस तो का रेशियो आता है। अगर रेगुलर टाइम इंटरवल में देखें कि पार्टिकल कितना चला यूनिफॉर्मली एक्सीटेड मोशन में अगले टी में वो चलेगा बेटा सेवन एक्सन टू थ्री इज टू फाइव इंटू सेवन अब इसको भी आप अप्लाई कर सकते देखो ये आपका टैप है है ना आपका थर्ड ड्रॉप है जो अभी चला नहीं है ठीक है फर्स्ट ड्रॉप एक सेकेंड चल के पहुंचा यानी उसने पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव का दो इंटरवल कवर किया है अब आप सोचना फर्स्ट ड्रॉप के बारे में सोचना फर्स्ट ड्रॉप पहले पॉइंट फाइव सेकेंड में चला होगा एक्स अगले पॉइंट फाइव में चला होगा थ्री एक्स ऐसी होता है भाई वो टोटल एक सेकंड चला है बेटा तो 0.5 0.5 की दो जर्नी कवर करी बेटा उसने तो पहले 0.5 में x चला होगा अगर तो अगले 0.5 में 3x क्योंकि अगर टाइम इंटरवल सेम रखोगे ये टाइम t ये भी टाइम t तो x तो 3x इसका मतलब वो टोटल कितना चला भाई 4x देख लो 3x और x 4x अब 4x की जो वैल्यू है ना वो मेरे को दी हुई है 5 मीटर सही है 5 मीटर क्योंकि हाइट इज फाइव मीटर तो मैं बोलूंगा एक्स और थ्री एक्स फोर एक्स एक ही सेकंड तो चला है पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव हो गया तो फोर एक्स बराबर फाइव एक्स आ गया आपका वन पॉइंट टू फाइव यानी कि पॉइंट फाइव में कितना चलता है पार्टिकल वन पॉइंट टू फाइव अब सोचो जो सेकंड पार्टिकल है वो जब यहां से चला होगा वो तो 0.5 सेकंड ही चल पाया है अभी तक क्योंकि उसने 0.5 सेकंड लेट स्टार्ट किया था पहले वाले से तो पहला वाला अगर एक सेकंड में यहां पहुंच गया है सेकंड वाले को तो अभी आधा सेकंड ही मिला है क्योंकि उसने आधा सेकंड लेट स्टार्ट किया है है ना पहले वाले के गिरने के आधा सेकंड बाद स्टार्ट किया है तो उसको तो आधा सेकंड ही मिला तो आधे सेकंड में वो यहां पहुंचा होगा और आधे सेकंड में कितना कवर करता है एक्स एक्स की वैल्यू कितनी बेटा 1.25 तो वो चला होगा सिर्फ 1.25 तो सेकंड वाला अभी यहां पे है क्योंकि उसको आधा सेकेंड कम मिला है तो पहले पार्टिकल को आपने कितना चलाया पॉइंट फाइव और पॉइंट फाइव वन सेकेंड चलाया लेकिन सेकेंड वाले को कितना चलाया आपने सिर्फ पॉइंट फाइव चलाया तो पहला वाला चल गया एक्स और थ्री एक्स यानी कि फोर एक्स यहां से आपने एक्स निकाल लिया वन पॉइंट टू फाइव दूसरा वाला चला सिर्फ एक्स विच इज वन पॉइंट टू फाइव अब आप हाइट निकाल लो हाइट यहां से कितनी आ जाएगी टोटल फाइव है अगेन फाइव माइनस वन पॉइंट टू फाइव ज थ्री पॉइंट सेवन फाइव तो ये दोनों तरीके आप अप्लाई कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ता है एंड आई होप नाउ यू आर क्लियर विद अगर बेटा आपको ऐसे और क्वेश्चन चाहिए तो मैं तो ये सीरीज बनाता रहूंगा है ना मैं आपको 10 10 मिनट के सात सात मिनट के छोटे छोटे वीडियोस देता रहूंगा उसमें एक क्वेश्चन होगा लेकिन अगर आप चाहते हैं एक साथ मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस मिले और अच्छे लेवल के मिले तो बेटा मैं आपको एक चीज बताता हूं हमारा जो तत्वा मॉड्यूल है लाइट चलेगी

आप उसको अपने घर पे ऑर्डर कर सकते हो और उसमें बहुत तगड़े क्वेश्चंस हैं थ्योरी है कंसाइज थ्योरी है, है जितना आपको जरूरत है सारा थ्योरी है उसमें सेल्फ स्टडी करना है वो भी कर सकते हो क्वेश्चन है बेटा डिवाइडेड लेवल वन लेवल टू लेवल थ्री लास्ट में लेवल थ्री जो है, है, है अचीवर्स सेक्शन है उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन है अगर कहीं फंसोगे तो वहीं पे स्कैनर आएगा एक आप फोन से स्कैन करना पीडीएफ सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाएगा आपको बेटा और वहां पे प्रिंटेड सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा तो बहुत बढ़िया स्टडी मटेरियल है बेटा और वहां पे ऐसे क्वेश्चंस आपको भर भर के मिलेंगे और आपको बड़ा मजा आएगा फिजिक्स पढ़ने में तो तत्व मॉडल मंगा लीजिए डू लेट मीन द कमेंट बॉक्स की कैसा लगा ये सेशन तो हम और भी कोटा चॉकलेट प्रॉब्लम आपके लिए लेके आएंगे स्टडी उन्ड सब्सक्राइब कर लेना मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए बबाई है